नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है एक बार फिर से एक नए कमाल धमाल मिसाल वीडियो में। मेरा नाम है अब्दुल, आप देख रहे हैं टेक्निकल फिक्स यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, इस टॉपिक पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है और फिर ये दूसरी वीडियो बनाने का मेन रीज़न ये है कि आप लोगों को फैक्ट का पता चले। अगर आपके मन में भी ऐसा कुछ है कि आपको जानना है कि क्या हुआ कैसे हुआ, तो मैं इस बारे में बात करने वाला हूँ कि इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट कौन है और किसकी वजह से ये वुमेन जो है वायरल हुई और ये कास्ट हुई जाके बॉलीवुड में। तो बिना किसी विलंब के आइए करते हैं प्रारंभ। बट इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए शानदार वीडियोस लाता रहता हूं। अब दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं वोमेन के बारे में, तो जिसका नाम है रानू मंडल, तो उनकी वीडियो जो है एक आई जो कि कहीं रेलवे स्टेशन के आसपास उन्होंने किसी ने शूट की और वो जो है उसमें गाना गा रही थी। तो जिसकी वजह से हुआ क्या कि जब ये आई सोशल मीडिया किसी साइट पर, तब जाके काफ़ी ज़्यादा ये वायरल हुई, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इसे लाइक किया, पसंद किया। ये सब बातें तो आपको पता ही है, लेकिन अब मैं अगर बात करता हूँ कि इसमें मेन इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा रोल किसका है और किसने उनको स्टार बनाया, तो वो आप लोग हैं, यानी हम लोग, यानी जितने सारे लोग जो कि सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, जिसको अच्छे कंटेंट देखना पसंद है और वो अच्छे कंटेंट को शेयर करते हैं, तो वो सारे लोग ही सबसे पहले हैं जिन्होंने उनको स्टार बनाया है। क्योंकि जब एक बार कोई चीज़ सोशल मीडिया पे जाती है, उसके बाद उस पर काफ़ी सारे व्यूज़ आते हैं, वायरल होती है, लाइक्स आते हैं, कमेंट होते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो वायरल होती है। जब ज़्यादा लोग शेयर भी करते हैं, तब जाके कहीं एक चीज़ जो है वो काफ़ी अच्छी तरह से पूरे सोशल मीडिया साइट पर फैल जाती है। अब बात क्या है कि जब ये चीज़ वायरल हुई, तब जाके कहीं ये पहुंची सलमान खान जी के पास, उसके बाद फिर हिमेश रेशमिया जी को उन्होंने कहा कि इनको कास्ट करना है, आप अपने किसी गाने में लीजिए, तब जाके वो गाना जो है शूट हुआ, जो कि तेरी मेरी सॉन्ग आप लोगों ने सुना ही होगा। और ये तो मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी सारे वीडियोज़ में है जो वही 10-15 सेकेंड की जो क्लिप है, दो चार जो लाइन गाई गई है वही लाइन ले रहे हैं, और फिर बाकी पूरा गाना तो अभी ऑफिशियली रिलीज़ नहीं हुआ है और ये भी नहीं पता चला है कि कब तक जो है इसकी ऑफिशियल रिलीज़ डेट आ जाए। लेकिन वही फिर जो है 10-15 सेकंड वाली वीडियो जो है बार बार वही रिपीट करके डाल दिया गया है और उसको ही गाना बता रहे हैं। बट आप ऐसा बिल्कुल नहीं है, अभी ऑफिशियली जो है कोई गाना उनका लॉन्च नहीं हुआ है, वो तो स्टूडियो से किसी ने शूट करके डाल दिया था, जो कि वहाँ पे काम कर रहा था या कुछ भी हो, वहाँ स्टूडियो में जो भी प्रेजेंट था, किसी ने एक वीडियो बनाया उसके बाद अपलोड कर दी, जिसमें ये सब तो आपको पता ही चल जाएगा कि गाना क्या है, दो चार लाइनें हैं, बाकी अभी ये तो ट्रेलर ही है सॉन्ग का, समझ लीजिए अभी पूरी पिक्चर आने वाली है, तो आप सॉन्ग का वेट कर सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं कि इसमें जैसे कि आपने देखा अभी सारे लोग कह रहे हैं कि इन्होंने किया ऐसा किया वैसा किया, तो हाँ ये बात सही है कि सबसे पहले जो है ये बात जाती है सलमान खान जी के पास। हालांकि सोशल मीडिया काफ़ी बड़ा है, सबके पास पहुंची होगी, लेकिन उन्होंने रिस्पॉन्ड किया, ये उनकी महानता ही आप कह सकते हैं, सलमान खान जी की दयालुता उदारता, जिन्होंने कहा कि जो है अब इसको कास्ट करना है, तो उन्होंने हिमेश रेशमिया जी से बात की और वो भी मान गए, क्योंकि आवाज़ जो है काफ़ी प्यारी थी और वो जो गाना उनका वायरल हो रहा था उसको आप जाके सर्च कर सकते हैं, जो कि है तकरीबन 20 से 30 सेकंड का है कोई वीडियो, तो उसमें आपको गाना जो है देखने को मिल जाएगा उनका। तो जिसकी वजह से, यानी उनके टैलेंट की वजह से सलमान खान जी को बहुत अच्छा लगा, हिमेश रेशमिया जी को उन्होंने कहा कि उनको कास्ट कर दीजिए, उसके बाद फिर उन्होंने एक गाना बनाया जिसमें वो भी गा रहे हैं, उनका दोनों का डुएट सॉन्ग आ रहा है। अब इसका इंतज़ार कीजिए, कुछ दिन में हो जाएगा। और फिर अब हम बात करते हैं मेन टॉपिक की कि सोशल मीडिया एक ऐसी पावर बन गई है, मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था, अभी वीडियो इस वीडियो में बता रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जिस ऑडियंस तक ये पहुँच जाए काफ़ी अच्छी बात है, कि इसका प्लीज़ गलत इस्तेमाल मत करें। अभी अगर मैं होंगे ऐसे कि आप ये कर देते हैं वो कर देते हैं, तो आप कहेंगे भाई तुझे ज़्यादा आता है, तू ज़्यादा बता रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ सिर्फ आप अपने सोशल मीडिया की जिम्मेदारियों को आप अपने समझिए, आपको कैसे यूज़ करना है, क्या चीज़ें आपको स्प्रेड करनी है, क्योंकि देखिए कई सारे जो हैं अंधविश्वास वाली चीज़ें और फिर ढकोसलेबाजी जो हैं वो सब फैल रहा है, और मॉब लिंचिंग वगैरह भी काफ़ी बढ़ रही है, तो जिसकी वजह से आपको सतर्क रहना है, आपको थोड़ा एनालाइज करना है, या फिर आपको सिर्फ ऐसा बनना है कि आपके पास कोई भी वीडियो आए, कोई भी ऑडियो आए, कोई भी मैसेज आए, अगर आप उसको एनालाइज नहीं करना चाहते, उसके फैक्ट के बारे में नहीं जानना चाहते हैं, तो उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, अपने पास से उसको आगे मत फैलाइए। और आपको किसी को नसीहत देने की कोई ज़रूरत नहीं है, भाई मेरे पास ये मत भेज वो मत भेज, अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो भाई प्लीज़ आपके पास जो आता है उसको डिलीट कर दीजिए। जैसे मैं करता हूँ, मैंने कभी शेयर वगैरह मैं कुछ करता ही नहीं हूँ, उसके बाद फिर मेरे पास जो मैसेजेस वगैरह आ जाते हैं, मैं किसी को ब्लेम ही नहीं करता हूँ, भाई ये मत भेज वो मत कर। वैसे बड़ा बात तो आप लोगों की है और यूट्यूब की है, मेरा चैनल है, आप लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं, तो आपको बताना तो मेरा फ़र्ज है, बाकी जो मुझसे ऐसे कांटेक्ट में रहते हैं उनको मैं कुछ नहीं कहता हूँ, भाई चाहे जो कर दूँ, लेकिन बस मेरी जिम्मेदारी मुझे पता है, क्योंकि बताने पर कोई मानने वाला नहीं है, आप ट्राई भी करेंगे तो उसके बाद उल्टा आप ही को वो लोग समझाने लगेंगे, जैसा कि अभी कुछ लोग समझाने वाले हैं मुझे मेरे इस कमेंट में, पर कोई बात नहीं, जैसा भी हो जो होता है अच्छे के लिए होता है। बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही है, आपको वीडियो पसंद आ गया होगा, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए शानदार वीडियो लाता रहता हूँ। तो दोस्तों, मिलता हूँ किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए।